यूपी के मुस्लिम मोहल्लों के रुझान जानने के लिए हमारा काफिला उस वाराणसी भी पहुंचा जहां चुनाव तो सिर्फ औपचारिकता का हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी के सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के मुस्लिम मोहल्लों के हालात जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। बनारसी साड़ियां तो पूरी दुनिया में फेमस हैं और उन्हें बनाते हैं यहाँ के मुस्लिम बुनकर, लेकिन हमने जिससे भी बात की वो बनारस के साड़ी उद्योग के खराब हाल बताता रहा। हमने कहा है कि जो पार्टी हमारी इन जायज मांगों को अपनी मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, हम उसी को वोट देंगे। हमारा वो उन्होंने भरोसा दिया है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के, नहीं मायावती से अभी कोई बात नहीं हुई है, मगर हमारा क्राइटेरिया एक ही रहेगा कि जो हमें रोजी रोटी से जोड़े रखेगा, हमारे रोजगार के लिए जो मददगार साबित होगा। हमने बहुत देख लिया और हम किसी का लुकमयतर या किसी का वोट बैंक बनने नहीं जा रहे हैं। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हमारा रोजगार चलना चाहिए। जो रोजगार की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा, वो चाहे भाजपा ही क्यों ना हो। अच्छा, हमारा जो सपोर्ट करेगा दाल रोटी की, शिक्षा की, सुरक्षा की, जो गारंटी देना है, जो बच्चे हैं उसका भविष्य क्या होना चाहिए, उसको कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, स्वास्थ्य, सब रोजगार सबने चाहिए। अब जो ये देगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो। मेन मुद्दा हमारा रोजगार का है। मोदी जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को बुनकरों पर ध्यान दें। वैसे मोदी जी तो हम लोगों के साड़ी के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने वो किया, मगर थोड़ा सा जमीनी हकीकत में हम लोगों को थोड़ा साथ दें, क्योंकि बीच में मिडिल मैन है जो हम लोगों को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे हमारा धागा हो उस पर सस्ता हो, जैसे हमारा पावरलूम की बिजली का है मुझे बताया उसको कि सस्ता हो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बैंगलोर और सूरत के मुकाबले ज्यादा हो रही है, आप लोग पिट रहे हैं। चलिए इस पर आप लोग काम करिए। तो अभी आप तो तजुर्बे वाले आदमी हैं, अब ये बड़ा अच्छा वक्त होता है इलेक्शन का अपनी पॉलिटिकल पार्टीज तक मैसेज पहुंचाने का। तो हसन साहब, अभी जब इलेक्शन का वक्त होगा तो फिर आप कैसे तय करेंगे, आपकी पसंद मोदी जी होंगे, आपकी पसंद मायावती होने वाली हैं, आपकी पसंद राहुल गांधी होने वाले हैं, अखिलेश होने वाले हैं? देखिए ऐसा है, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, जो कोई अच्छा काम देगा आपके बेटे ने भी आप जी, तो इसलिए जो है अब चूंकि पॉलिटिकल हम लोग बिजनेसमैन हैं इसलिए पॉलिटिकल नहीं है। मोदी जी तो हम लोगों के साथ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर राहुल गांधी से एक नया हम लोगों को संचार मिलने वाला है। राहुल गांधी आएगा तो वो एक नए तरीके से वो करेगा। गठबंधन में बनारस की सीट कांग्रेस के हिस्से आई है। राहुल गांधी यहां के मुस्लिम मोहल्लों से अपनी न्याय यात्रा लेकर भी निकले थे। ऐसा लगता है कि मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की मुस्लिम बस्तियों में राहुल गांधी को खूब सुना जा रहा है। नफीस अहमद, बस वही पावर लूम चलाते हैं। अच्छा। बस से बदतर हालात है। अच्छा। बहुत खराब। अरे बस जैसे तो जैसे चल रहा है, बटन दबाने का टाइम आ रहा है, फिर तो ये तो बेहतरीन टाइम होगा। हाँ तो बस वो दबेगा, अभी मशीन अपना कमाल दिखा देगी। अच्छा, मशीन भी कमाल दिखाएगी। हाँ, मशीन क्या कमाल दिखाती है। अरे बैलेट पेपर से हो तो कुछ बात बने। अच्छा, ये भी एक मुद्दा है। मुद्दा है पूरी राजनीति यही तो है। ये बनारस के बुनकरों की बहुत बुरी हालत है, बस से बदतर बयान नहीं कर सकते। बेहतर करेगा हालात कांग्रेस परवरदिगार बेहतर नहीं करेगा, परवरदिगार बेहतर करेगा। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे में तो पूरे यूपी समेत देश की दिलचस्पी है। हिंदुओं के पक्ष में अदालती आदेश तक आ चुका है, ऐसे में वाराणसी के मुसलमान इससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं? ज्ञानवापी को लेकर के मुसलमानों के दिल में तीन तरह के कहा जाए तो फीलिंग्स हैं। एक तो मायूसी है, खौफ है और गुस्सा है। तीनों मिला जुला है। गुस्सा इसलिए कि क्यों इस तरह की चीजें उठाई जा रही हैं और क्यों तारीख की कब्रें खोद के, इतिहास की कब्रें खोद के भविष्य का रास्ता तलाशने की जो कोशिश हो रही है और उसमें भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अदालतों की तरफ से मायूसी, सरकार की तरफ से मायूसी, तो ये एक अनजाना सा खौफ है कि खुदा न खास्ता एक रोज दिन आएगा कि ये मस्जिद हमारे हाथ में, खुदा न करे कि शायद ये ना रहे अपने पास। तो ये खौफ भी है, उसको लेके मायूसी भी है और गुस्सा भी है कि क्यों इस तरह के इश्यूज, जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं, सवाल है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है।
और इसको जो है तारीख की कब्रें खोदी जा रही हैं और उसमें से भविष्य का रास्ता निकाला जा रहा है, ये गलत है। कबीर से लेकर नजीर बनारसी तक सदियों के सफर में इस शहर बनारस ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनगिनत मिसालें देखी हैं। कभी काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर बिस्मिल्ला खां के मामू उनके उस्ताद शहनाई बजाया करते थे, तो खुद बिस्मिल्ला खां गंगा किनारे बालाजी मंदिर में रियाज करते थे। न कभी इस्लाम खतरे में आया और न कभी हिंदू धर्म पर कोई आंच आई। बनारस का हिंदू और मुसलमान रेशमी साड़ी के ताने बाने की तरह से रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये ताना बाना बिगड़ा है, जिसे लेकर यहाँ का मुसलमान फिक्रमंद है। अपने रोजगार में दिन भर खुद को खपाता है, तब जाकर दो वक्त की रोटी कमाता है। वोट के सवाल पर थोड़ा चुप है, लेकिन अपनी दुआओं में असर मांग रहा है। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना। गुफ्तगु तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था और अब मैं बोलूंगा, तो मेरी बातों में असर भी देना।